साहब की विजन के मुताबिक उस पॉलिसी पे अमल दरामद के लिए पुरअज़म है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो खसूसी हदायात उन्होंने इनकॉर्पोरेट करवाई हैं उसमें सबसे अहम ये है कि हमारी वो तालीमी पॉलिसी जो है उसको सिर्फ डिग्री की हैसियत में ही नहीं देखा और जांचा जाए, बल्कि दाखले देते वक्त हम एक जॉब पोर्टल क्रिएट करने जा रहे हैं और वो जॉब पोर्टल जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे का जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनेगा, वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो हर यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की है उसके साथ बैठ के एक नीड बेस्ड एजुकेशन जो है उसको हम एनकरेज करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जॉब बेस्ड एजुकेशन और नीड बेस्ड एजुकेशन जो है उससे हट के मार्केट की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, आपकी दुनिया के बदलते हुए हालात और तकाजे जो हैं उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ गई हैं, आपकी सनतों के अंदर ऑटोमेशन आ गई है, आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट। फिरदौस आशिक अमान सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि हुकूमत यकसा निसाब तालीम पर काम कर